For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. ये तो जग जाहिर है कि लव बर्ड्स मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर अप्रैल में शादी करने वाले थे, लेकिन गुड फ्राइडे के कारण दोनों ने अपने प्लान्स को होल्ड पर रख दिया। हालांकि इन दोनों की शादी को लेकर अब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार बोनी कपूर इस शादी के सख्त खिलाफ है, इतना कि उन्होंने अपने बेटे अर्जुन को रोकने की काफी कोशिश की, मगर प्यार के आगे बोनी की एक ना चली और अर्जुन ने मलाइका का साथ नहीं छोड़ा। नतीजा, वेल, बोनी कपूर को इस बात से इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अर्जुन कपूर को अपनी प्रॉपर्टी से बाहर कर दिया और इस बात का खुलासा खुद सोशल मीडिया पर भी कर दिया। क्या ये कब हुआ? वेल, आपको बता दें कि ये सिर्फ एक अफवाह है जो कि बोनी कपूर के एक इम्पोस्टर ने फैलाई है और इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, मगर इस पोस्ट ने कई लोगों को कुछ पल के लिए चौंका जरूर दिया था और आगे देखना ये है कि कपूर परिवार इस इम्पोस्टर के खिलाफ क्या एक्शन लेंगे। एनी गेसेस? सलमान खान इन दिनों काफी बिजी हैं। उन्होंने अपनी आगामी फिल्म भारत की रिलीज डेट से पहले ही अपनी अगली फिल्म दबंग 3 की शूटिंग शुरू कर दी है, मगर साथ ही वो भारत के पोस्ट प्रोडक्शन और प्रमोशंस का भी पूरा ध्यान रख रहे हैं। ऐसे में एक इंटरव्यू के दौरान उनसे उनकी पिछली दो ईद रिलीजेस के बारे में पूछा गया जो कि बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। यहाँ हम बात कर रहे हैं 2017 की फिल्म ट्यूबलाइट और 2018 की फिल्म रेस 3 की। तो सलमान ने ट्यूबलाइट के डिजास्ट्रस रिस्पॉन्स को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, हमें लगा था कि ट्यूबलाइट एक बेहद सुंदर फिल्म होगी, खासकर 2015 में रिलीज हुई बजरंगी भाईजान को मिले रिस्पॉन्स के बाद, मगर ईद पर लोग कुछ अच्छा और खुशनुमा देखना चाहते थे। ट्यूबलाइट में वो सभी रोए थे और डिप्रेस होकर उन्होंने कहा कि ईद ही खराब हो गई। सलमान ने आगे कहा कि इसी कारण ये फिल्म नहीं चल पाई। हाँ, मगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ट्यूबलाइट को कमाल का रिस्पांस मिल रहा है और सलमान इस बात से बहुत खुश हैं। तो सलमान के इस रिस्पांस से आप कितने कन्विंस्ड हैं, हमें जरूर बताएं। एक लंबे इंतजार के बाद आखिर 1 अप्रैल को फिल्म दबंग 3 की शूटिंग मध्य प्रदेश में शुरू हो गई। सलमान खान की इस मच एंटिसिपेटेड फिल्म को लेकर फैंस के मन में काफी क्यूरियोसिटी थी और इसलिए मेकर्स अपने फैंस को खुश करने के लिए अपनी फिल्म के हर छोटे बड़े पल को उनके साथ शेयर कर रहे हैं, मगर फिर भी जहां सलमान होते हैं वहां उनके फैंस का होना तो नेचुरल ही है, तो इसलिए फिल्म के सेट्स पर भी फैंस की भीड़ तो जमा हो ही जाती है। इस बार शानू नाम के एक फैन अपने हीरो से मिलने दबंग 3 के सेट पर आ पहुंचे। इस फैन की शिद्दत देखकर सलमान इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने खुद इस फैन के साथ सेल्फी क्लिक करवाई। ये फैन पिक भी अब भाईजान की अनगिनत फैन पिक्स का हिस्सा बन चुकी हैं और दूर बैठे हुए फैंस इन पिक्स को देखकर ही अपने हीरो से मिलने की खुशी एक्सपीरियंस कर लेते हैं। तो सलमान खान के इस फैन पिक को देखकर आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताएं। सलमान खान ने सोनी टीवी पर द कपिल शर्मा शो को प्रोड्यूस करके छोटे पर्दे पर भी अपने प्रोडक्शन हाउस का परचम लहराया और अब जो ये शो टीआरपी की चोटियों पर छा गया है, तो सलमान खान बढ़ा रहे हैं एक और कदम और प्रोड्यूस करने वाले हैं एक नया शो, मगर इस बार वो नॉन फिक्शन कैटेगरी में कदम रखने जा रहे हैं। जी हाँ, सलमान इस बार ऐसा शो प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि देश में हुए अनगिनत स्कैम्स और स्कैंडल्स पर आधारित होगा। इस शो का टेंटेटिव टाइटल होगा स्पेशल ऑपरेशन टीम और इस शो से सभी लोगों को देश में हो रहे स्कैम्स का पता चलेगा। वैसे क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया जैसे शोज की पॉपुलैरिटी देखते हुए हमें यकीन है कि सलमान खान का स्पेशल ऑपरेशन टीम शो भी बेहद सक्सेसफुल होगा। तो आप इस शो के बारे में जानकर कितने एक्साइटेड हैं, हमें जरूर बताएं।
शाहरुख खान की फिल्में इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर रही हैं और उनकी लेटेस्ट रिलीज जीरो के फ्लॉप होने के बाद उनकी कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हुई, लेकिन फिर भी वो लोगों के दिलों पर एक असली बादशाह की तरह राज कर रहे हैं। इसके चलते उन्होंने एक बहुत बड़ी डील स्ट्राइक की है और जिस अंदाज से उन्होंने आज तक की सबसे बड़ी सैटेलाइट डील क्रैक की है, उससे ये प्रूव होता है हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। जी हाँ, सालों पहले फिल्म बाजीगर में इस डायलॉग को किंग खान ने रियल लाइफ में भी फॉलो कर दिया और अपनी करंट फिल्मों को फ्लॉप होता देखकर उन्होंने 22 फिल्मों की सैटेलाइट राइट्स की डील फाइनलाइज की है। ये डील उनके करियर की अब तक की सबसे बड़ी डील है और इस डील में उनका भी एक अहम हिस्सा होगा। फैंस शाहरुख और उनकी फिल्मों को बहुत पसंद करते हैं और इसलिए उनकी कई नई और पुरानी फिल्मों के सैटेलाइट राइट्स एक चैनल ने खरीद लिए हैं। अब इस डील के साथ एसआरके ने प्रूव कर दिया है कि वो बॉलीवुड के ही नहीं बल्कि बिजनेस की दुनिया के भी बादशाह हैं। तो शाहरुख और उनकी सबसे बड़ी सैटेलाइट डील के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, हमें ज़रूर बताएं। फर्स्ट अप्रैल को ही तो फिल्म दबंग 3 की शूटिंग शुरू हुई और मुहूर्त शॉट के पूरे 11 दिन के बाद टीम ने महेश्वर के स्केड्यूल को कंप्लीट भी कर दिया। जी हाँ, सलमान खान ने खुद इस बात की खबर सभी के साथ शेयर करने के लिए महेश्वर से अपनी एक तस्वीर भी शेयर की जहाँ वो बिल्कुल अपने चुलबुल पांडे स्टाइल में खड़े हैं। इस पिक्चर के कैप्शन में उन्होंने लिखा, फाइनली महेश्वर स्केड्यूल ओवर। दबंग 3 को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट को देखते हुए मेकर्स ने अपने पूरे शूटिंग प्रोसेस को काफी ओपन रखा है और मुहूर्त शॉट से लेकर फिल्म के हर छोटे बड़े माइलस्टोन को फैंस के साथ शेयर भी किया है। ऐसे में हमने इन 11 दिनों में सलमान और अरबाज की धमाल और मस्ती भी देखी और साथ ही फिल्म के टाइटल सॉन्ग के रिहर्सल का क्लिप भी और अब महेश्वर स्केड्यूल की रैप अप वाली पिक। तो अब फिल्म दबंग 3 के इस लेटेस्ट डेवलपमेंट के बारे में आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताएं। सलमान चाहे कितना भी बिजी क्यों ना हो, वो अपने दोस्तों को कभी इग्नोर नहीं करते। तो फिल्म दबंग 3 की शूटिंग के दौरान भी जब उनके क्लोज फ्रेंड विजी वेंकटेश अपने परिवार के साथ उनसे मिलने मांडू आए तो सलमान ने अपने स्केड्यूल से ब्रेक लेकर भी उनके साथ टाइम स्पेंड किया। इतना ही नहीं, उन्होंने विजी और उनके परिवार के साथ कई पिक्चर्स भी क्लिक की जो अब वायरल हो चुकी हैं। अब ये देखकर तो ऐसा लग रहा है कि सलमान के लिए लाइफ में हर इंसान कितना अहम होता है। सच में इतना अमेजिंग वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही कम लोग कर पाते हैं और अपने फैंस को मिलने, अपने चैरिटेबल टास्क को करते हुए भी उन्होंने महेश्वर के अपने शूटिंग स्केड्यूल को 11 दिनों में रैप अप कर दिया। ऐसे पर्सनल प्रोफेशनल बैलेंस को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड के सुल्तान का टाइटल सलमान के अलावा किसी और को सूट भी नहीं करेगा, है ना? सलमान खान की सक्सेस बेमिसाल है और उनकी फैन फॉलोइंग सच में कमेंडेबल है। फिर भी सलमान ने कभी खुद पर घमंड नहीं किया। इनफैक्ट वो हमेशा दूसरों की तारीफ करते नजर आते हैं। हाल ही में अपनी फिल्म भारत को प्रमोट करते हुए एक मीडिया इंटरेक्शन में उन्होंने अपने करियर, एक्टिंग और फिल्मों के बारे में बात की और साथ ही उन्होंने अपने को स्टार्स आमिर और शाहरुख खान के बारे में भी बात की। सलमान ने कहा, शाहरुख खान और आमिर खान लेजेंड्स हैं। दोनों की एक दो बुरी फिल्में हो सकती हैं, मगर वो हमेशा शानदार वापसी करते हैं। टेंशन तो मेरी है, मैंने लोगों से सुना है कि मैं टैलेंट और लक की वजह से सरवाइव कर रहा हूँ। सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता कि मैं कैसे सरवाइव कर रहा हूँ। अब ऐसा कहकर सलमान ने बड़े ही हम्बल तरीके से ये कहा कि वो आमिर और शाहरुख को टैलेंटेड मानते हैं और साथ ही उन्होंने उन लोगों को भी एक्नॉलेज किया जो उनकी बुराई करते हैं। तो अब सलमान की इस सुल्तानी अंदाज के बारे में आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताएं।
जब से हमें पता चला है कि संजय लीला भंसाली अपनी अगली फिल्म में सलमान खान और आलिया भट्ट को कास्ट कर रहे हैं, हम अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। संजय लीला भंसाली की हर फिल्म एक मैग्नम ओपस होती है, वहीं सलमान खान भी बॉक्स ऑफिस के सुल्तान हैं और आलिया भट्ट ने भी अपनी हर फिल्म से हमें काफी इम्प्रेस किया है। ऐसे में इस विनिंग कॉम्बिनेशन से फिल्म इंशाल्लाह बहुत ही खास होगी। इसलिए संजय लीला भंसाली हर पहलू को बारीकी से हैंडल कर रहे हैं। फिल्म की स्क्रिप्टिंग पर काम करने के बाद अब वो लोकेशन हंट पर निकले हैं। जी हाँ, उन्होंने उत्तराक्षी, ऋषिकेश और हरिद्वार में कई लोकेशंस चेकआउट किए। साथ ही उन्होंने हरिद्वार के माया देवी मंदिर में जाकर अपने प्रोजेक्ट की सक्सेस की दुआ भी मांगी। अब ये सब देखकर तो हमें भी यकीन है कि फिल्म इंशाल्लाह हर एस्पेक्ट में सुपर डुपर हिट होगी, है ना?